अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो सर्दियां जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आ चुकी हैं, आ नहीं रही, आ चुकी हैं सर्दियां। तो सर्दियां आ गई हैं तो स्किन भी ख़राब होगी जिनकी ड्राई स्किन होती है। तो हमने क्या करना है? अपनी स्किन का करना है ख्याल। तो ख्याल कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, जिनकी ड्राई स्किन होती है वो सर्दी में ड्राई और ज़्यादा ड्राई होकर ब्लैक होने लग जाती है स्किन। आप लोगों ने नोट किया होगा अक्सर सर्दी में लोगों के हाथ पाँव स्किन जो है वो काली हो जाती है, क्योंकि वो उनकी ड्राई स्किन होती है। उस वजह से ज़्यादा सर्दी में जब ड्राई होकर स्किन ख्याल नहीं करते हम लोग अपनी स्किन का, तो वो ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। जो लोग ख्याल नहीं करते, जो लोग तो ख्याल करते हैं वो तो ठीक रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि मेरी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, तो सर्दी में मेरा भी कलर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए जो है मैं करती हूँ थोड़ी सी केयर अपनी स्किन की, ताकि थोड़ा सा कलर मेरा फेस का, हाथ पाँव का ठीक रहे। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया है मॉइस्चराइजिंग स्क्रब। तो वीडियो आप लोगों के लिए मैं ना बनाती, ऐसा हो नहीं सकता था। तो यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग स्क्रब मैंने बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक एयर टाइट हम लोगों ने जार में बनाना है इसको। हमने किसी बाउल में, हमने किसी बॉक्स में, किसी में नहीं बनाना, किसी इस तरह के शीशे के एयर टाइट जार में बनाना है। अगर बस कोई भी हो तो आप ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी नहीं हम लोगों ने लेना, हमने लेना है इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें हाफ कप शुगर ऐड की, 4 to 5 टेबल स्पून मैंने इसमें कोकोनट ऑयल ऐड किया है, जिसमें अच्छी तरह से ये चीनी जो है वो हाफ जिस पे ऑयल आ जाए, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं हमने डालना इसमें। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून शहद ऐड किया है। आप शहद अगर आपके पास खालिस है तो वो ले लें, वो बहुत अच्छा। कोकोनट ऑयल भी आप लोगों ने खालिस लेना है, अक्सर जो है बॉटल्स में वो इतना सही नहीं होता है। मैं तो जाके ये खालिस वाला कोकोनट ऑयल लेके आती हूँ, तो ही मेरी स्किन पे सूट करता है। अदरवाइज़ जो मैं आम जो शॉप से बॉटल वाला कोई भी ले लेती हूँ तो वो नहीं ठीक रहता मेरे पास। वहाँ यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर का भी 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया था, ग्लिसरीन का भी 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है, ठीक है। ईवियन के मैंने इसमें 3 बड़े वाले और 2 छोटे वाले कैप्सूल, यानी कि टोटल हो गए 8, यानी कि 3 मेरे पास बड़े वाले थे तो वो 2, 2, 2, 2, 6 और 2, 8 इस तरह से मैंने इसमें 8 ईवियन के कैप्सूल ऐड किए हैं। मैंने यहाँ पे एक्नी वाला फेस वॉश ऐड किया है, क्योंकि सर्दी में होता है कि अक्सर स्किन ड्राई होकर एक्नी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, दाने दाने छोटे छोटे से दाने भी निकलने लग जाते हैं स्किन पे। तो इससे ये होगा कि आपकी स्किन पे दाने भी नहीं निकलेंगे और अच्छा रहेगा। और बाकी दूसरा इसमें जो मैंने फेस वॉश ऐड किया है 2 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून मैंने एक्नी वाला है फेस वॉश ऐड किया, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नॉर्मल जो मेरा रेगुलर फेस वॉश है पॉन्ड्स का मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। बाकी आपका कोई भी रेगुलर फेस वॉश है वो ऐड करें, और एक्नी वाला आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है इसके अंदर, कोई सा भी जो एक्नी के लिए। लेकिन जो ये मैंने फेस वॉश लिया है ना, ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए, मैं बता रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यही ऐड करें आप तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्सिंग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें, हर चीज़ अच्छे से मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें सारी होनी चाहिए पूरी आपके पास, कोई एक चीज़ भी कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका टेक्सचर बन जाएगा, बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर होता है, ठीक है, बिल्कुल स्क्रब की तरह, क्रीम की तरह जो हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा स्क्रब जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको हम कवर करके रख देंगे एक साइड पे, इसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये हमारा 15 to 1 month का रेडी हो गया, जितने दिन भी चल गया वो चल गया, ठीक है। लेकिन इस तरह से आप लोगों ने करना है कि रेगुलर भी नहीं लगाना है इसको, आप लोगों ने एक दिन छोड़ के एक दिन आपने इसको अपने फेस पर स्क्रब करना है, क्योंकि ये स्क्रब कोई उस तरह से नहीं बनेगा कि हमारी स्किन को कोई इसका नुकसान होगा। एक नेचुरल ये स्क्रब है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए स्क्रब है ये, तो आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने कोई चीज़ बनाई और मैंने फेस पे इसको टेस्ट ना करूँ, तो इसलिए मैं आ गई हूँ अपनी स्किन पे इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है जी। जिनको एक्नी प्रॉब्लम है स्किन का, तो अक्सर होता है कि वो स्क्रब वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, पर आप इस स्क्रब को बना के यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि ये हमारी स्किन को स्मूथ करता है, ना कि हमारी स्किन को ये किसी भी किस्म का जो है हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाता है। जितना आप इसको लगाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा, स्किन ब्राइट होगी, स्किन ग्लो करेगी। सर्दी में जो हमारी स्किन मुरझा जाती है, काली हो जाती है, वो इससे नहीं होगी। स्किन का ख्याल करना लाजमी है, क्योंकि स्किन अच्छी होगी तो हम अच्छे लगेंगे, हम अच्छे लगेंगे तो हम सबको अच्छे लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो हमारा काम है कि ख़ुद भी अच्छा देखना और आप सबको भी बताना वो चीज़ें जिससे आप लोग भी अच्छे और प्यारे, और स्किन अच्छी होनी चाहिए यार, प्यारे होने से कुछ नहीं होता। स्किन हमारी अच्छी होगी तो हम अच्छे लगेंगे। स्किन हमारी, हम जितने मर्जी खूबसूरत हो जाए, स्किन हमारी अगर अच्छी नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। तो स्किन को अपने नीट एंड क्लीन रखा करें,
रंग गोरा काला होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ स्किन का होता है कि स्किन हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो जो लड़कियां सर्दी में बर्तन धोती हैं, जैसे कि मैं भी धोती हूँ किचन में बर्तन, हर घर का ये मामला है, ठीक है। तो सर्दी में हाथ धोने बर्तन धोने से हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, हाथ पे, पाँव पे, स्किन पे, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हमारी ड्राई स्किन है, बाजू पे आप इसको अच्छे से स्क्रब करें, फुल बॉडी पे भी आप कर सकते हैं इसको स्क्रब, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये फुल बॉडी का भी जो है वैसे स्क्रब मैं अलग से आपको बताने वाली थी, पर वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी। पर ये जो है इस स्क्रब को भी हम फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने सिर्फ ज़्यादा अभी ज़्यादा नहीं किया था, 2 से 3 मिनट इसको स्क्रब किया था, लेकिन 2 से 3 मिनट करने के बाद भी काफ़ी अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आ गया था। स्किन एकदम से ग्लो करने लगी थी, स्किन काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज होकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। कहीं आपने जाना है तो आप लोगों को लग रहा है कि हमारी स्किन ख़राब हुई है, तो आप इसको 10 मिनट के लिए स्क्रब करें, उसके बाद आप मेकअप करें, आपका मेकअप इतना ज़बरदस्त होगा ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो इस तरह की जो है घरेलू चीज़ें जो हैं उनसे आप अपनी स्किन को जो है अच्छा बनाया करें, कोशिश किया करें कि जो हम लोग बाहर की चीज़ें कम ही यूज़ किया करें, क्योंकि जितनी हम अपनी स्किन को उन चीज़ों की आदत डालेंगे, हमारी जो स्किन है उन्हीं की आदी हो जाएगी, फिर हमें किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है इन सब चीज़ों को अवॉइड करूँ, ना ज़्यादा यूज़ करूँ ऐसी चीज़ें। बाकी स्किन सर्दियाँ हैं, मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। इसके अलावा भी आप लोग अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखा करें ताकि आपकी स्किन जो है वो ख़राब ना हो। तो ये अपने हाथ जो है इन पे भी अच्छी तरह स्क्रब करें आप लोग, ठीक है। हाथ पे तो आप चाहे डेली भी कर सकते हैं, लेकिन स्किन पे आप लोग एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो किया करें स्क्रब। तो अभी जो है मैं आप लोगों को क्या करूँगी, फेस वॉश करके दिखाऊँगी। तो ये तड़ा, ये आप लोगों ने देखी मेरी स्किन कितनी ज़्यादा एकदम से सॉफ्ट हो गई है, एकदम से ग्लो करने लग जाती है स्किन, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्किन ग्लो करने लग जाती है, जैसे सर्दी है ना, आपने किसी शादी पे जाना है, आपने झटपट इसको 10 मिनट में स्क्रब करके ना, और अपने उसके बाद मेकअप करना है, ठीक है। आप देखना आपका मेकअप कितना अच्छा होगा और स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी और जल्दी जल्दी जो है मैंने वीडियो बनानी थी, और यहाँ पे फेस अपना मैं जल्दी से ड्राई कर रही हूँ। तो जी आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आती होंगी, पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें, और बताया करें कि मैं आप लोगों के लिए किस तरह की वीडियो बनाया करूं। तो यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से फेस ड्राई कर लिया, और अम्मी मुझे पूछ रही थी कि तुम क्या करी जा रही हो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हल्का सा जो है हल्की सी लिपस्टिक अपने फेस पे लगाई, और थोड़ा सा वही लिपस्टिक को मैंने अपने चीक्स पे लगा लिया। तो आप लोग देखिए मेरी पहले वाली स्किन और अब वाली स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करी है, नीट एंड क्लीन, और थोड़ी सी ब्राइट भी हो जाती है स्किन। तो जी ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।